अलीगढ़ के थाना चोंडस इलाके में दरऊ पुल के पास में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने दो गुटों के बीच में कई राउंड फायर हुए। चाय की दुकान पर बैठकर जलेबी खा रहे एक व्यक्ति को जिसमें गोली लग गई, जिससे उसकी मौत का एक मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों के दो गुटों के बीच में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने की सूचना के बाद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में क्षेत्राधिकारियां समेत कई अधिकारी और थानाओं के पुलिस बल यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचा और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आला अधिकारियों ने यहाँ पर मौका मुआयना करा और घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों से बातचीत करी और दोनों गुटों के बीच में जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी उसकी जांच पड़ताल यहां पर शुरू कर दी। बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों के द्वारा जहां एक तरफ अलीगढ़ पुलिस को उन्होंने चुनौती पेश करी है, वहीं पर दिन दहाड़े की गई इस ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान अफरा तफरी भी मच गई थी। वहीं पर गोलियों की गड़गड़ाहट की आवाज से यहां पर कस्बा चोंडस गूंज उठा, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल भी है। गोली लगने से घायल व्यक्ति को लोगों की मदद से उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। अलीगढ़ एसएसपी ने यहां पर जानकारी देते हुए बताया है कि दोनों गुटों में हुई फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स अब 6 संदिग्ध लोगों को अभी तक हिरासत में भी ले चुकी है। बताया गया है कि युवकों के कुछ असला बारूद भी उनसे बरामद किया गया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ये आज थाना चंडौस अंतर्गत एक दौरा मोड़ है, उसके पास एक कुछ गुट की दो गुटों की आपस में लड़ाई की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। और वहीं पर ये एक व्यक्ति हैं, उम्र लगभग 55 वर्ष, जिनका नाम उमेश है। ये अपना फरीदाबाद में काम करते हैं, वहाँ से लौट रहे थे, पास के गांव में रहते हैं। इनको वहाँ पर गोली लगी, ये घायल हुए और अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया। इस संबंध में जो पुलिस की जितनी भी टीमें थी तत्काल वहाँ पर पहुँची हैं और आसपास छानबीन करते हुए सुराग रस्सी करते हुए अभी तक 6 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है और असला बरामदगी की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है और इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यह भी बताया गया है कि 2 दिन पहले इन लोगों की बुलंदशहर के अरनिया इलाके में झगड़ा हुआ था, ऐसा भी बताया गया है। इस तथ्य को भी तस्दीक किया जा रहा है और अन्य तथ्यों को तस्दीक करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए सटीक जो गिरफ्तार हैं इनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करते हुए एवं अन्य अभियुक्त यदि कोई हो तो उस पर भी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। विधिक कार्रवाई प्रचलित